अमेज़न जंगल का रहस्य। दोस्तों, क्या सच में अमेज़न जंगल पूरे धरती के ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन पैदा करता है? क्या सच में अमेज़न जंगल में ऐसी छिपकली पाई जाती है जो किसी निंजा की तरह पानी पर दौड़ने में एक्सपर्ट है? क्या सच में अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका पानी लोगों के लिए जिंदगी नहीं बल्कि मौत लाता है? और क्या सच में अमेज़न जंगल में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो पूरे धरती के प्लास्टिक को खाकर खत्म कर सकता है? दोस्तों, अगर आप भी दुनिया के सबसे खतरनाक अमेज़न जंगल से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या अमेज़न जंगल सच में पूरी धरती के ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन पैदा करता है? दोस्तों, आपने YouTube पर ही कई वीडियोस में सुना होगा कि अमेज़न जंगल पूरे धरती के ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, लेकिन असल में यह एक झूठ है। अमेज़न जंगल की असली सच्चाई तो यह है कि इसका हमारे धरती के ऑक्सीजन में लगभग 0 योगदान है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न जंगल फोटोसिंथेसिस के जरिए दिन में जितना ऑक्सीजन पैदा करती है उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा रात के समय सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ले लेता है। दरअसल रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे सांस लेते हैं ताकि वो दिन में फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाए गए खाने को पचाकर उसे एनर्जी में बदल सके। अब आधे से ज्यादा ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में लेने के बाद जो ऑक्सीजन बच जाती है वो ऑक्सीजन जंगल में रहने वाले जीव ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अमेज़न जंगल का हमारी धरती के ऑक्सीजन लेवल में कोई योगदान नहीं है। आखिर क्या है अमेज़न जंगल में मौजूद मौत देने वाली नदी का रहस्य? दोस्तों, वैसे तो नदियों का पानी जीवन देने वाला होता है, लेकिन अमेज़न जंगल में ऐसा नहीं है। अमेज़न जंगल के अंदर एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी 2400 घंटे उबलता रहता है। इस नदी का नाम बॉइलिंग रिवर है। इसके पानी का तापमान लगभग 93 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए जब भी कोई इंसान या जानवर गलती से इसमें गिर जाता है तो जलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो आज तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार इस नदी को उबलने के लिए इतना ज्यादा तापमान कहां से मिलता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि खनिज तेल के लिए खुदाई करने वाली कंपनियों ने गलती से किसी ऐसी जगह को खोद दिया है जिससे निकलने वाली गैस इस नदी को लगातार गर्म करने और उबालने का काम करती है। विक्टोरिया अमेज़ोनिका एक विशाल वाटर लिली। दोस्तों, आपने पानी में खिलने वाली खूबसूरत वाटर लिलीज को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि आप इन वाटर लिलीज पर बैठ पाएं तो कैसा होगा? वैसे दोस्तों, अमेज़न जंगल में आपका यह सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि अमेज़न जंगल में आपको ऐसी विशाल वाटर लिलीज देखने को मिल जाएंगी जिस पर बैठकर आप अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। इन वाटर लिलीज का नाम विक्टोरिया अमेज़ोनिका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्राकृतिक ने इन वाटर लिलीज की संरचना ऐसी बनाई है कि ये एक इंसान के वजन को बड़े आसानी से सहन कर सकती है, लेकिन दोस्तों, आज तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि आखिरकार इन वाटर लिलीज को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि धीरे धीरे विकसित होकर आज साइज में इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है। क्या अमेज़न जंगल में मिलती है पानी पर दौड़ने वाली छिपकली? दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं अमेज़न जंगल में आपको ऐसे जानवर और पौधे देखने को मिल जाएंगे जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते, जैसे जीजस लिजार्ड, एक ऐसी छिपकली जो पानी पर दौड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। अमेज़न जंगल में खुद को जिंदा रखने के लिए इस छिपकली ने हजारों साल पहले खुद को इस तरह से विकसित कर लिया था कि यह पानी के ऊपर दौड़कर अपने शिकार को पकड़ सके और खुद को दूसरे जानवरों का शिकार बनने से बच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीजस लिजार्ड को पानी पर दौड़ने के साथ साथ पानी में अच्छी तरह से तैरना भी आता है। दोस्तों, यह छिपकली अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली नदियों के पास पेड़ों पर छुपकर रहती है। इस छिपकली को बेसिलिस्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या सच में अमेज़न जंगल में छुपा है पूरी दुनिया के प्लास्टिक को खत्म करने का इलाज? दोस्तों, अमेज़न जंगल भले ही प्रकृति के ऑक्सीजन लेवल में कोई बड़ा योगदान दे या ना दे, लेकिन यह हमारी पृथ्वी पर फैली प्लास्टिक की परत को खत्म करने में जरूर मदद कर सकता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न जंगल में ही एक ऐसा कवक पाया जाता है जो धरती पर से प्लास्टिक को खत्म करने में मदद कर सकता है। यह कवक बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इस कवक का नाम पेस्ट लोटोपिस माइक्रोस्पोरा है। इसकी खोज येले यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने की है और अब वैज्ञानिकों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक इस शोध में सफल होते हैं तो आने वाले समय में अमेज़न जंगल की वजह से पृथ्वी प्लास्टिक मुक्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपको मौका मिलने पर अमेज़न जंगल घूमने जाना चाहेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।